हम लोग अभी रिटायरमेंट का सम कर रहे हैं जो मार्च 2023 में आया है। साथ साथ करेंगे, ड्रॉ द लाइन्स, रिवॉल्यूशन अकाउंट ड्रॉ करिए 10 लाइन्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करिए उसी पेज पे 12 लाइन्स, नेक्स्ट पेज पे कैश एंड बैंक 4 to 5 लाइन्स एंड बैलेंस शीट 12 to 14 लाइन्स। ये सब ड्रॉ करने में आपको 3 मिनट्स लगने चाहिए। टाइम एलोकेशन है 20 to 25 मिनट्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं और टिक कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है तो हमने एक डॉट लगा दिया। प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, डॉट लगा दिया। बीडीआर पर एडजस्टमेंट है, डॉट लगा दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पर एडजस्टमेंट है, डॉट लगा दिया। गुडविल पर एडजस्टमेंट है, डॉट लगा दिया। फिर न्यू रेशो दे रखा है। अब हम सम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से, एसेट साइड से, और 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं इस चैप्टर में जो हम बैलेंस शीट के साथ साथ करेंगे, दैट इज बीडीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। बाकी एडजस्टमेंट्स हम बैलेंस शीट के आइटम्स पुट करने के बाद करेंगे। उससे सम भरा हुआ होता है तो मार्क्स ज्यादा मिलती हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है किसी बच्चे से तो। सबसे पहले हमें दे रखा है गुडविल, तो गुडविल हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखते हैं, ओल्ड रेशो में। ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई होती है उसे हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, ओल्ड रेशो। तो 40,000 को 3:2 में आप डिवाइड करिए, कितना आएगा? 15,000, 15,000 एंड 10,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर एडजस्टमेंट है तो हमें अंदर लिखना है बैलेंस शीट में, फाइनल कॉलम में नहीं लिखेंगे हम, अंदर लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, मशीनरी लिखेंगे 1,80,000। नेक्स्ट है स्टॉक, जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, मशीनरी के बाद एक लाइन छोड़ना ना भूलें क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, अब डेटर्स और बीडीआर दे रखे हैं और बीडीआर पर एडजस्टमेंट है, तो मैंने बताया था बीडीआर की एडजस्टमेंट साथ साथ कर लेने की, इट विल बी इजी। अब डेटर्स हैं 70,000 के और बीडीआर है हमारा 5,000, तो हमने डेटर्स पहले इनर कॉलम में लिखे 70,000। अब एडजस्टमेंट रेट की, हमने एडजस्टमेंट हमें दे रखा है कि 10% बीडीआर रखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 70,000 का 10% निकालेंगे, तो 70,000 का 10% कितना आता है, 70,000 का 10% होता है 7,000, वो लिख के माइनस करके फाइनल कॉलम में बाहर लिख देंगे। अब ये हमारा फ्यूचर लॉस है, हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर लॉस 7,000 होगा जबकि बैलेंस शीट में हमारा फ्यूचर लॉस कितना है 5,000, तो हमारा फ्यूचर लॉस बढ़ा कितना 2,000। बिल्कुल सही, कैसे? अभी हमारा रिवैल्यूड फ्यूचर लॉस 7,000 है पर बैलेंस शीट में हमारा फ्यूचर लॉस बीडीआर एज अ फ्यूचर लॉस 5,000 है, तो 2,000 रुपीज का लॉस इंक्रीज हुआ, तो रिवैल्यूशन के डेबिट साइड आएगा 2 बीडीआर 2,000 ही, जितना लॉस इंक्रीज हुआ, फ्यूचर लॉस इंक्रीज हुआ उतना ही आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बैंक बैलेंस दे रखा है तो बैंक बैलेंस हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 2 बैलेंस BD 35,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये एक फिक्टिशियस एसेट है जिनका रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होता है, ओल्ड रेशियो में आप इसको डिवाइड करेंगे। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज 3:3:2, तो आप 3:3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 6,000, 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड इज ट्रीटेड एज ए डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर्स कैपिटल में आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो?
3:3:2. So you will distribute 20,000 in 3:3:2, which will fetch you 7,500, 7,500 and 5,000. तो ऐसे करके अपन ने एसेट साइड कंप्लीट कर लिया। अब लायबिलिटी साइड आते हैं, तो उसमें सबसे पहले कैपिटल्स दे रखा है, तो ये हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, करेक्ट। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। क्या है ओल्ड रेशियो? 3:3:2। तो आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व 3:3:2 में 40,000 इंटू 3/8, तो आपको आंसर आ जाएगा 15,000, 15,000 एंड 10,000, राइट। 40,000 इंटू 2/8 करोगे तो वो आ जाएगा। अब पार्टनर्स लोन दे रखा है जिसमें बी का लोन है और बी रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। जो रिटायर हो रहा है, सी का भी लोन है, पर सी का लोन मैंने सी के कैपिटल में नहीं डाला है, सिर्फ बी का लोन बी के कैपिटल में डाला है। सी का लोन हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, सी इज लोन, राइट। नेक्स्ट दे रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख सकते हैं 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है जिसके अगेंस्ट हमारे पास लायबिलिटी है 15,000 की। अब आप कंपेयर करिए, हमने रिजर्व रखा था 10,000 पर लायबिलिटी क्रिएट हो गई 15,000 की। तो पहला रूल, जो भी एडजस्टमेंट में वैल्यू है 15,000 है ना, उसे सीधा का सीधा बैलेंस शीट में लिखिए 15,000, वर्कमैन के लिए 15,000। तो ये एक फ्री हिट है सॉर्ट ऑफ, कि यार जो भी एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड का अमाउंट है वो सीधा का सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। अब ये कंपेयर होगा, 15,000 कंपेयर होगा इस 10,000 से। तो हमने सोचा था 10,000 ही होगा पर 15,000 हो गया, तो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, लॉस बढ़ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस अगर बढ़ जाता है तो उसे हम कहां लिखते हैं? बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। 5,000 जितना लॉस बढ़ गया वो अमाउंट आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, ओके। अब हमने पूरी बैलेंस शीट खत्म कर ली, अब हम एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। पहली एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,20,000 हो गई, पुरानी वैल्यू है 1,99,000, अब इंक्रीज हो गई। तो आप 2,20,000 को जब 1,99,000 से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा 21,000 वैल्यू बढ़ गई। अब ये आया डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट के इफेक्ट होते हैं दो, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, हमारा फायदा है। तो 21,000 का फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 21,000। याद रहे जितना फायदा हुआ उसका दो इफेक्ट आएगा, राइट। कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, 2,20,000 का दूसरा इफेक्ट दे देते हैं, वहां फिर अटक जाते हैं, भाई एडजस्टमेंट 21 की हुई है ना, करेक्ट। 220 वैल्यू हो गई है तो 21,000 नहीं बढ़ा, तो उसके दो इफेक्ट आएंगे, 21,000 के दो इफेक्ट आएंगे, याद रखना, ये डेबिट इफेक्ट दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, मशीनरी। अब बोल रहा है रिड्यूस्ड बाय 30,000, बोलता है मशीनरी की वैल्यू 30,000 कम करिए। तो हमारी मशीनरी है 180 की और 30,000 हमें कम करना है, तो माइनस कर देंगे 30,000, आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,50,000। अब डेबिट साइड से माइनस करने को कहते हैं क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, हमारा ये लॉस है डेबिट इफेक्ट, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख लेंगे टू मशीनरी 30,000। वर्कमैन लायबिलिटी हम कर चुके हैं, बीडीआर हम कर चुके हैं, गुडविल। अब गुडविल रिटायरमेंट में सबसे इजी पॉइंट होती है, हमें क्या करना होता है, जो भी बंदा रिटायर हो रहा है, जैसे इस समय कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का शेयर निकालने का गुडविल में, ये पूरी फर्म की गुडविल है याद रहे, उसमें बी का शेयर निकालने का। अब ये वर्किंग पार्ट में आप कर सकते हैं, बी इज शेयर इन गुडविल 1,60,000 इंटू 3/8, तो आया 60,000। दो एरोस ड्रॉ करने के और लिखने का बी डॉट आर डॉट,
और एरो, एक एरो के नीचे लिखने का ए अकाउंट डेबिट, दूसरे में लिखना सी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी की तो गुडविल है, तो बाकी बचे कौन से दो पार्टनर, ए और सी, तो उनका अकाउंट डेबिट लिख दोगे। अब बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको न्यू रेशियो सब में दिया गया है, देखिए न्यू रेशियो कितना है, 1:1, ए का 1/2, सी का भी 1/2, तो 1/2 माइनस, अब ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ए का है 3/8, तो 3/8। अब एलसीएम वैसे 4 होता है, पर मैं लिखूंगा 16, 8 2 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 8 1 8, बीच में माइनस की साइन, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है, 2 3 6, अब 8 माइनस 6 इज 2/16। सी का न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 2/8 है, 2/8, राइट। तो 2/8 माइनस करेंगे तो 8 2 जा, जो डिनोमिनेटर में है उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस की साइन, 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 इज 4/16, तो बेनिफिट रेशियो आ गया 2:4, जो 1:2 है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 60,000 है वो इस 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 × 1/3 20,000, 60,000 × 2/3 40,000। अब इसका मतलब ये है कि ए के अकाउंट के डेबिट साइड इतना अमाउंट आएगा, सी के अकाउंट के डेबिट साइड इतना अमाउंट आएगा, तो ए और सी के डेबिट साइड, ए और सी के डेबिट साइड करेक्ट क्या लिखेंगे, टू बी इज कैपिटल 20,000 और 40,000, जो अभी अपन ने वर्किंग में निकाला, 20,000 एंड 40,000 ए और सी में, क्या लिखा टू बी। अब बी में क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, और बी के कॉलम में लिख दोगे 20,000 एंड 40,000, फिर डैश 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 डैश, तो ऐसे करके आपका गुडविल का ये पॉइंट हो गया। और हर सम में यही पॉइंट होता है, रिटायरमेंट में गुडविल सबसे इजी होती है। न्यू रेशियो दे रखा है वो तो हो गया, अब हम सम क्लोज करेंगे जिस ऑर्डर में सम स्टार्ट किया था। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करेंगे, डेबिट साइड टोटल बड़ा है, इधर गया, इसमें से ये चीज माइनस की, तो आंसर आया बाय पार्टनर्स कैपिटल 16,000। इसको ए बी और सी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाता है, व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो, 3:3:2, तो 16,000 × 3/8, 16,000 × 3/8, 16,000 × 2/8, तो ये दे दिया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन 6,000, 6,000 एंड 4,000। अब रूल ये है कि जो रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट पहले बंद करेंगे, उसका टोटल करेंगे 2,15,000, इधर जाएगा 2,15,000, इसमें से ये सारी चीजें माइनस होंगी तो एक आंसर आएगा, उससे आप लिखोगे टू लोन अकाउंट 1,80,500। ये लोन का डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप लिखोगे बी इज लोन 1,80,500। अब बाकी बचे हुए पार्टनर्स का उसी तरीके से अकाउंट क्लोज करेंगे, तो इनका टोटल करोगे 1,95,000, ये टोटल इधर जाएगा 1,95,000, इसमें से ये सब माइनस करें कैलकुलेटर ऑन, तो आपको बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,40,500। सी का टोटल करेंगे 1,30,000, शिफ्ट करेंगे इधर 1,30,000, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 67,000। ये आप लिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कैपिटल्स ए का और सी का, और इनका टोटल बाहर 2,07,500। जिस ऑर्डर में सम स्टार्ट किया उस ऑर्डर में सम बंद करना है। पार्टनर्स कैपिटल के बाद आपके पास ड्रॉ किया हुआ है कैश बैंक अकाउंट, तो उसे बंद करिए, इस सम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 35,000 ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड 35,000, और आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए 5,23,000 से। गुड लक।